शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है। विजय भव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के शुरुआती 8 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। अक्षय कुमार के करियर की सबसे महंगी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, और इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा हमें देखने को मिले थे संजय दत्त, सोनू सूद और मानुषी चिल्लार। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया था और यह फिल्म दुनिया भर में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। फिल्म से जिस तरह की उम्मीदें थी उस तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं की और फिल्म की जो ओपनिंग है वो भी कम रही। फिल्म के वीकेंड कलेक्शन भी कम आए और फिल्म का जो फर्स्ट वीक कलेक्शन है उसने तो पूरी तरह से निराश किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया था 10 करोड़ 70 लाख रुपए का। वही फिल्म ने शुरुआती 3 दिन मतलब कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार अपने पहले वीकेंड में इंडिया नेट कलेक्शन किया 39 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करें फिल्म के फर्स्ट वीक कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया 55 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब बात करें फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी वजह तो ये भी है कि 8वें दिन से फिल्म की जो स्क्रीन से वो कम कर दी गई है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी नई फिल्में रिलीज हुई तो पृथ्वीराज की जो स्क्रीन से वो नई फिल्मों को चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में तो ठीक ठाक ऑक्युपेंसी मिली है, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख रुपये के रेंज में कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ सम्राट पृथ्वीराज का शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 57 करोड़ 70 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है लगभग 75 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 90 करोड़ का। अब फिल्म का बजट जितना ज्यादा है उस हिसाब से फिल्म ने 8 दिनों में काफी कम कमाई की है, लेकिन दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि कल शनिवार और परसों रविवार फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। पर अब देखना यह है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, सम्राट पृथ्वीराज का लाइफ टाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड मार्केट में कितने करोड़ का होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और सम्राट पृथ्वीराज के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।